चलिए आज हम लोग बनाएंगे सेशन 2 BSc IT का, जो है दूसरा सेशन का। वैसे तो सेशन ये 3 है, बट IT का ये दूसरा सेशन है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो जो आज क्वेश्चन है वो कह रहा है, ओपन पेंट इंसर्ट द रेक्टेंगल शेप एंड सेट इज साइज 8px। आज जो सवाल है वो पेंट एप्लीकेशन से है। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है पेंट एप्लीकेशन, जिसके द्वारा जो है ड्राइंग वगैरह बनाया जाता है। तो उसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट एग्ज़ाम करते हैं। स्टार्ट एग्ज़ाम करने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहला काम ओपन पेंट। आप क्या करोगे, पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे। एक तो तरीका है कि ये देखो यहाँ पे पिन किया हुआ है नीचे, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्च में जाओ और वहाँ पे लिख दो PAINT। आप यहाँ से भी इस पर क्लिक करके पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला काम यही करना है, पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट कर देना है। पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, रेक्टेंगल शेप लाना है, इधर रेक्टेंगल शेप लाना है और उसका साइज 8px करना है। तो देखो ऊपर में जो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को शेप कहा जाता है। और इसी एरिया में आपको मिल जाएगा ये वाला शेप जिसका नाम है रेक्टेंगल शेप। तो आप क्या करोगे, पहले तो इस पर क्लिक करोगे रेक्टेंगल शेप पे। क्लिक करने के बाद क्या करोगे, इसको इधर बना देना है, ऐसे करके ड्रैग करके बना देना। बनाने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 8px। तो देखो साइज साइज बोल रहा है, साइज 8px। तो देखो यहाँ पे सामने साइज लिखा हुआ है, आप इधर साइज पे चले आओ। पहला पे दिख रहा है 1px, दूसरा साइज दिख रहा है 3px, और ये है आपका 5px, और सबसे लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है 8px। तो आप क्या करोगे, ये 8px वाला लेके आपको सिंपल इधर सबमिट कर देना है। तो ऐसा करेंगे आप तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या करना है, कह रहा है ओपन पेंट ड्रॉ ए सर्किल यूजिंग पेंसिल एंड देन इरेज दैट सर्किल यूजिंग इरेजर। बोल रहा है आपको कि पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट करो और फिर वहाँ जाके एक सर्किल बनाओ यूजिंग पेंसिल। पेंसिल का प्रयोग करके सर्किल बनाओ और उसके बाद उसको इरेज कर दो। इरेज करने का मतलब हुआ कि डिलीट कर दो। तो देखो कैसे होगा ये, पहले स्टार्ट एग्ज़ाम करो। स्टार्ट एग्ज़ाम करने के बाद आप क्या करोगे, पहले से जो कुछ खुला हुआ है ये सब इसको पहले से हटा दो, यहाँ से जो भी चीज़ें यहाँ से कट करो और इसको यहाँ से डोंट सेव करो, बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल क्लीन रखना है इसको। और उसके बाद क्या करना है, पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। इधर पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे, ड्रॉ ए सर्किल यूजिंग पेंसिल एंड देन इरेज दैट सर्किल यूजिंग इरेजर। इसका मतलब हुआ कि पहले आपको यहाँ पे एक सर्किल बनाना है पेंसिल का यूज़ करके। देखो यहाँ पे पेंसिल है इस जगह, इसको पेंसिल बोलते हैं। तो पेंसिल पे क्लिक कर लो और पेंसिल पे क्लिक करने के बाद इसको ऐसे करके ड्रैग करके इसको गोल बना लो, क्योंकि सर्किल बोल रहा है बनाने। तो ऐसा करके सर्किल बना लेंगे। सर्किल बनाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि इरेज करना है, मिटाना है। तो देखो पेंसिल के जस्ट नीचे मिलेगा आपको इरेजर, तो आप इरेजर पे क्लिक करो और धीरे धीरे क्या करो, ये सबको डिलीट कर दो। क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा था कि आपको एक सर्किल लेना है पेंसिल का प्रयोग करके और सर्किल बना के फिर इरेजर लेके उसको डिलीट कर देना है। तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और सिंपली इधर सबमिट करते हैं इसको। तो ऐसा करेंगे तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले स्टार्ट एग्ज़ाम कर लो फिर पढ़ो, अच्छा रहेगा। सामने देख के बनाओगे तो बेटर लगेगा। तो फिलहाल इसको कट कर दो यहाँ से, डोंट सेव करो, एकदम बिल्कुल क्लीन यहाँ पे एरिया रहना चाहिए। तो पहले क्या करना है, बोला है पेंट एप्लीकेशन ओपन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, इंसर्ट द ओवल शेप, इसके अंदर एक ओवल शेप लाना है। शेप मालूम, ये जो एरिया है इसको शेप कहा जाता है। तो इसमें ओवल शेप कौन सा है, कर्सर वहाँ पे रखोगे तो नाम बताएगा उसका, जैसे कि इसका नाम कर्व बता रहा है, फिर दूसरा यहाँ पे ओवल बता रहा है। तो यही वाला शेप जो है इधर लाना है। तो आप इधर इस पर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद ऐसे करके इसको बना लो। बना लेने के बाद क्या करना है, फिल इट विथ ब्लैक कलर, बोला कि इसके अंदर जो है ना ब्लैक कलर डालो। तो कलर कैसे भरते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या नाम है इसका, फिल विथ कलर, ये जो देख रहे हो मग टाइप से है ना, आप क्या करोगे इस पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद कौन सा कलर बोल रहा है, तो कलर बोल रहा है आपको ब्लैक लेने के लिए। तो हम कलर ले लेंगे यहाँ से ब्लैक। ब्लैक कलर लेने के बाद सिंपली क्या करना है, इधर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ये ब्लैक हो जाएगा। फिर क्या करना है, सेलेक्ट द एयर ब्रश फ्रॉम ब्रशेस ऑप्शन, सेलेक्ट द एयर ब्रश, बोल रहा है कि ब्रशेस ऑप्शन पे जाओ और वहाँ पे फाइंड करो एयर ब्रश कौन है। तो ये ब्रश है, ये कैलीग्राफी ब्रश 1 है, ये कैलीग्राफी ब्रश 2 है, ये वाला जो ब्रश है इसका नाम है एयर ब्रश। तो क्या करोगे, ये एयर ब्रश पे सेलेक्ट करके क्लिक कर लेंगे और विथ वाइट कलर, ब्रश लेने के बाद क्या करना है, वाइट कलर ले लेना है।
एंड ड्रॉ एनी थिंग द ओवल शेप, और बोला कि इसके अंदर कुछ भी ड्रॉ कर देना है आपको। तो भाई मैं कुछ भी इधर ड्रॉ कर देता हूँ, और ड्रॉ करने के बाद सिंपली इधर से सबमिट कर देता हूँ। तो क्या हो रहा है कि ये सबमिट हो जा रहा है। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नंबर फोर देखते हैं, फोर क्या बोल रहा है। फोर बोल रहा है पैंट एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। तो पहले तो इसको जो पीछे खुला हुआ है इसको काटो, यहाँ से कट कर देंगे, डोंट सेव। क्या करना है, सबसे पहले तो पैंट एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। पैंट एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद इंसर्ट द पेंटागॉन सेफ एंड सेट इट्स आउटलाइन एज वाटर कलर, क्लिक ऑन आउटलाइन ऑप्शन। देखो सबसे पहले जो समझ में आ रहा है वो करो। कह रहा है कि सेप लेना है पेंटागॉन सेप, तो सेप में आ जाओ और यहाँ पे देखो पेंटागॉन सेप कौन सा है। ये रेक्टेंगल सेप है और ये राउंडेड रेक्टेंगल है। ऐसे करके देखोगे किधर है पेंटागॉन सेप, ये डायमंड है, ये देखो जस्ट डायमंड के बगल में एक सेप है पेंटागॉन। तो इस पर क्लिक करके ऐसे करके ये वाला सेप यहाँ पर ड्रॉ कर लो। ये जब ड्रॉ हो जाता है बना लेते हैं। बना लेने के बाद क्या करना है, आउटलाइन वाटर कलर करना है। तो यहाँ पे देखो कि आउटलाइन किधर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिल के जस्ट ऊपर में आउटलाइन लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इस आउटलाइन पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखना कि वाटर कलर किधर है। तो आप देख सकते हो यहाँ नीचे सबसे नीचे यहाँ पर वाटर कलर लिखा हुआ है। सिंपली इस पर क्लिक कर दो और ऐसा कुछ हो जाए ना तो मिनिमाइज़ करके तो जाके इसको सबमिट कर दो यहाँ से। तो ये सबमिट हो जाएगा, चौथा नंबर भी सबमिट हो गया। नंबर देखते हैं पांचवा क्या बोल रहा है। इसमें भी पैंट एप्लीकेशन से ही सवाल है। तो पहले तो भाई सबसे पहला काम पैंट एप्लीकेशन स्टार्ट करो, ये पुराना वाला है इसको यहाँ से कट कर दो। बिल्कुल फ्रेश से पैंट एप्लीकेशन स्टार्ट करो, बिल्कुल नया। तो पैंट एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। करागे सेलेक्ट कैलीग्राफी ब्रश वन फ्रॉम ब्रशेज, इसका मतलब हुआ कि ब्रशेज में जाओ और कैलीग्राफी ब्रश वन लो, ठीक है। एंड ऑप्शन विथ रेड कलर एंड राइट पेंट वर्ड। पहले देखो क्या समझ में आ रहा है, कैलीग्राफी ब्रश वन लो, पहले ब्रशेस में जाओ, कैलीग्राफी ब्रश वन, ब्रश हो गया यही है कैलीग्राफी ब्रश वन। ये ब्रश वन लो, लेने के बाद रेड कलर लेना है, तो रेड कलर इधर है, ये रेड कलर ले लेंगे। रेड कलर लेने के बाद राइट करना है पेंट वर्ड इन ड्राइंग एरिया। ये जो ड्राइंग एरिया है ना, यहाँ पर आपको माउस से लिख देना है पी ए आई एन टी, ऐसे करके लिख देना है। लिखने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, इधर सबमिट कर देना है। बहुत आसान था, कैलीग्राफी ब्रश वन लेना है, उसके बाद रेड कलर लेके माउस से पेंट लिख देना है। नंबर देखते हैं छठा। छठा नंबर बोल रहा है कि पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट करो और पहले तो इसको कट करो यहाँ से, एकदम बिल्कुल रखना ही नहीं है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो यहाँ से पेंट एप्लीकेशन। करा कि राइट द सॉरी इंसर्ट द राइट एरो सेफ रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट। पहले बोला कि सेफ लेना है आपको राइट एरो, तो सेप हमको मिलेगा इधर, ये है आपका कौन सा सेप एक्सागोन, ये है राइट एरो। बोला कि यही वाला सेप लो राइट एरो। राइट एरो सेप लेने के बाद रोटेट करना है 90 डिग्री लेफ्ट रोटेट ऑप्शन पे। देखो रोटेट ऑप्शन कहीं है लिखा हुआ, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है रोटेट ऑप्शन। सिंपली आप रोटेट ऑप्शन पे चले आओ, बोल रहा है कि 90 डिग्री लेफ्ट करना है, तो रोटेट यहाँ पे देखो दिया हुआ रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, ये वाला ऑप्शन ले लो और सिंपली यहाँ से इसको सबमिट कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन क्या बोल रहा है, वही पेंट एप्लीकेशन से ही सवाल है भाई। तो पहला काम तो जो पहले से पेंट एप्लीकेशन, इसको यहाँ से क्लोज करो, डोंट सेव, ओके। उसके बाद फिर से पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट करो। ड्रॉ ए ट्राइंगल यूजिंग ब्रशेज क्रेयॉन ऑप्शन एंड फिल इट विथ लाइम कलर। करा ब्रशेज में जाओ, क्रेयॉन ऑप्शन पे जाओ और देखते हैं भाई, पहले ब्रशेस में चलते हैं, क्रेयॉन देखते हैं ब्रश कहाँ है। ऑयल ब्रश क्रेयॉन मिल गया हमको, ये क्रेयॉन ब्रश है। बोला कि क्रेयॉन ब्रश का यूज़ करके ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज होता है, तो ऐसे करके हम एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बनाने के बाद क्या कह रहा है कि फिल इट विथ लाइम कलर, यानी कि इसके अंदर जो है लाइम कलर भरना है। तो कलर भरने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ये जो बाल्टी है ना इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको लाइम कलर ढूंढना है, लाइम कलर किधर है, तो आई होप ये होना चाहिए, हाँ यही है। तो हम ये लाइम कलर ले लेंगे और सिंपली इधर इस पर क्लिक कर देंगे, तो ऐसा करके उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली सबमिट हो जाएगा। नंबर देखते हैं आठ। नंबर आठ क्या कह रहा है कि पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट करो और इंसर्ट द लाइटनिंग सेप। तो देखो भाई पहले तो इसको यहाँ से डोंट सेव करो, स्टार्ट करो पेंट एप्लीकेशन।
लाइटनिंग शेप लेना है, तो शेप हमको इधर मिलता है, लाइटनिंग शेप जो है ना सबसे लास्ट में मिलेगा, सबसे लास्ट में लाइटनिंग शेप। तो आप ये लाइटनिंग शेप लो और ऐसे ड्रैग करके बनाओ। बनाने के बाद कह रहा है फिल इट विथ नेचुरल पेंसिल यूजिंग फिल ऑप्शन, यूजिंग फिल ऑप्शन। देखो यहाँ पे फिल ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस फिल ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा नेचुरल पेंसिल, उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ऐसा हो जाए ना तो मिनिमाइज़ करके दोबारा ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, नेचुरल पेंसिल हो गया, फिल ऑप्शन पे ले लिए नेचुरल पेंसिल। टू सेट द कलर ऑफ नेचुरल पेंसिल क्लिक ऑन कलर टू एंड सेलेक्ट रेड कलर। बोला कि कलर टू में जाओ, तो ये कलर वन है, कलर टू यहाँ है, तो कलर टू में जाएंगे और कलर टू में कौन सा रेड कलर ले लेंगे, तो ये है रेड कलर। बस सीधा रेड कलर पे क्लिक कर दो और इसको यहाँ से सबमिट कर दो। बहुत आसान है, ये भी बन जाएगा। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन बन गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो भाई पहले तो इसको यहाँ से हटाओ, इसको रखना नहीं है। सबसे पहले तो पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट करो। कह रहा कि फिल द पेज विथ येलो कलर, यानी बोला कि ये जो पूरा पेज का कलर है ना इसको येलो कर दो। ये कैसे होता है, तो यहाँ सबसे पहले फिल इट फिल विथ कलर में जाओ और यहाँ से कलर चूज़ कर लो येलो, और येलो कलर इधर डाल दो, तो पूरा कलर जो है येलो हो जाएगा इसका। ये करने के बाद कह रहा है कि सेलेक्ट ब्लैक कलर। अब बोला कि कलर जो है ब्लैक कलर लो, ले लिए भाई। फिर इंसर्ट करो डायमंड शेप, डायमंड शेप इंसर्ट करना, तो शेप मालूम इधर होता है, तो ये वाला डायमंड शेप है, तो हम ये वाला शेप हम यहाँ पे डायमंड शेप इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद कह रहा है कि नाउ टू इरेज द शेप विथ येलो कलर क्लिक ऑन फर्स्ट, फर्स्ट क्लिक ऑन कलर टू। अब बोला कि कलर टू में जाओ और कलर टू में फिर से येलो कलर ले लो एंड देन इरेज द डायमंड शेप। उसके बाद कह रहा है कि इसको इरेज करो, डिलीट करो, तो इरेज हमारा यहाँ से होता है पेंसिल के जस्ट नीचे जो इरेजर है, ये इरेजर है, इस पर क्लिक करके तब जाके हम इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके इसको इरेज करेंगे। आप पूरा भी इरेज कर सकते हो, बट आधा भी करोगे सबमिट करोगे तो सबमिट हो जाएगा, बट चलो इसको हम पूरा ही इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको पूरा इरेज कर दो और इसके बाद बिल्कुल यहाँ से इसको सबमिट कर दो, तो इस तरीके से ये भी सबमिट हो जाएगा। बचेगा आखिरी 10वां नंबर, इसको भी बनाते हैं भाई, क्या कह रहा है। पहले तो स्टार्ट एग्ज़ाम करते हैं। स्टार्ट एग्ज़ाम करने के बाद पहला काम तो ये जो है इसको पहले कट करो और फ्रेश से यहाँ पे पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट करो। और कह रहा है इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मालूम किसको बोलते हैं, ये जो फिल विथ कलर के बाद ये जो है ना इसी का नाम है टेक्स्ट बॉक्स। क्या करना है, तो इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर पेज पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद क्या करना है, इधर टाइप योर नेम। यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना नेम टाइप कर लोगे। नेम टाइप करने के बाद इसका जो फॉन्ट साइज है ना वो बोला 26 करने के लिए और बोल्ड करने के लिए और इसका कलर रेड करने के लिए। तो पहले फॉन्ट साइज 26 कैसे होगा, तो ये जो 36 यहाँ पे लिखा है ना आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से कलर साइज ले लो 26। ये करने के बाद इसको बोल्ड करो, बिफोर बोल्ड होता है, इस पर क्लिक कर दो और कलर रेड कर दो। तो कलर हम यहाँ से रेड करेंगे, कलर रेड कर दिया और यहाँ से सिंपल इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट नहीं हुआ, बन तो सही रहा है, तो ऐसा होता है तो एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक है, ऐसा है कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये नहीं बनता है जल्दी, तो आप एक दो बार ट्राई करिए, नहीं बनता है तो फिर उसको आप एंड कर सकते हो। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट किए, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, तो ये जो ए है इसको टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है। तो ए पर क्लिक करके ये बॉक्स हम इधर बना लेंगे। अब बना लेने के बाद इधर नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद क्या करना है, इसका साइज 26 करना है, तो यहाँ से इसका साइज 26 होता है। और फिर क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे और इसका कलर जो है यहाँ से ऑरेंज नहीं रेड कर देंगे और रेड करके सिंपल सबमिट करेंगे। तो एक दो बार ट्राई करिएगा, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कोई नहीं, आप सिंपल यहाँ से एंड टेस्ट करो, यस एग्ज़ाम करो, एंड एग्ज़ाम करके इसको कन्फर्म करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डू इट योरसेल्फ बन गया। अब आगे हम लोग देखेंगे टेक ए चैलेंज। चलिए आगे हम लोग देखते हैं टेक ए चैलेंज। तो सबसे पहले तो प्रोसीड करते हैं इसको। प्रोसीड करने के बाद यहाँ से आप पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। बोला है कि इसमें स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है, तो अभी जस्ट डू इट योरसेल्फ मैंने बताया था, ये जो बटन है ना इसको स्टार्ट मेन्यू कहा जाता है। शायद इसमें नहीं था, वो पिछले वाले डू इट योरसेल्फ में था, बट डोंट वरी, ये जो है बटन इसको स्टार्ट बटन कहा जाता है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दो तो आपका पहला टेक ए चैलेंज, सॉरी जो इसका टेक ए चैलेंज है बन जाएगा। फिर आते हैं टेक ए चैलेंज नंबर 12। टेक ए चैलेंज 12 क्या कर रहा है, तो पहले प्रोसीड करेंगे।
कह रहा है कि क्लिक द अप्रोप्रिएट बटन टू क्लोज द पेंट विंडो। देखो ये पेंट विंडो खुला हुआ है यहाँ पे, इसको क्लोज करना है। तो आपको मालूम होगा ये जो कट कुट वाला जो है ना, ये कट वाला, यही इसी को क्लोज बटन कहा जाता है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दो, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, टेके चैलेंज नंबर 13 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, क्लिक ऑन द वॉल्यूम आइकन डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कह रहा है कि ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है इसमें वॉल्यूम बटन किधर होता है, तो ये जो सबसे नीचे है, ये जो बटन देख रहे हो, इसी को वॉल्यूम बटन कहा जाता है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दो, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अगला देखते हैं, नंबर 14। नंबर 14 कह रहा है, स्टार्ट करो पहले, यू कैन नॉट स्टार्ट ए कंप्यूटर विदाउट हेडफोन। कह रहा है कि आप कंप्यूटर स्टार्ट नहीं कर सकते विदाउट हेडफोन, ट्रू या फॉल्स। इसका जो आंसर होगा ना, फॉल्स होगा। जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर में हेडफोन रहेगा तभी कंप्यूटर स्टार्ट होगा, बिना हेडफोन का भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है। इसलिए इसको फॉल्स करके इसको सबमिट कर दो, सही हो जाएगा। नंबर आते हैं 15 में, रिप्ले करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कर यू वॉन्ट टू क्रिएट ए ग्रीटिंग कार्ड इन एम एस पेंट वाइल वर्किंग ऑन एम एस पेंट विंडो, यू कैन यूज़ द इंटरफेस डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू इंसर्ट वेरियस टू क्रिएट ए अट्रैक्टिव ग्रीटिंग कार्ड। ये जो बोला है ना, इसको बोला, ये इसको क्या बोला जाता है, तो ये जो एरिया है ना, इसको शेप्स कहा जाता है। तो सिंपली यहाँ पे देखो लिखा हुआ शेप्स, इस पर क्लिक करो और इसको यहाँ से सबमिट कर दो। ठीक है, बन जाएगा। नंबर आते हैं 16 में, रिप्ले करते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है, ए नोड दैट शेयर रिसोर्सेज विथ अदर नोड्स इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक नोड जो शेयर करता है अदर नोड, तो इसका जो आंसर होगा ना, सर्वर होगा। ठीक है, तो वो सर्वर सही हो गया। ठीक है, नंबर आते हैं 17। 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है, फाइल्स आर यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स। इसका भी आंसर जो है ना, सही होगा। ठीक है, नंबर आते हैं 18, टेक ए चैलेंज, रिप्ले करते हैं। पंकज वॉन्ट्स टू क्रिएट ए जीमेल अकाउंट, विच लिंक शुड ही क्लिक टू क्रिएट न्यू अकाउंट। जीमेल अकाउंट बनाना चाहता है तो कैसे बनाएगा, देखो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करके कोई भी नया अकाउंट क्रिएट कर सकता है जीमेल पे। टेक ए चैलेंज देखते हैं 19, रिप्ले करते हैं पहले। समीर इज टू टायर्ड टू रीड, वॉन्ट्स टू रिलैक्स विथ एन ऑडियो बुक, हाउ विल ही सर्च फॉर ए स्पेसिफिक ऑथर। ऑडियो बुक सुनना चाहता है तो कैसे सर्च करेगा वो, देखो यहाँ पे ऑप्शन है सर्च करने का, सीधा यहाँ पे क्लिक करो माउस से और सर्च पे क्लिक कर दो। तो इस तरीके से ये भी बन जाएगा, ये सुनने का चीज़ है, इसको सुन लेना। ये बनाना है 20, टेक ए चैलेंज 20, इसको रिप्ले करते हैं। रिप्ले करने के बाद प्रोसीड करते हैं। करा विवेक इज़ फेसिंग सम इशूज एंड नीड टू कॉन्टेक्ट द गवर्नमेंट्स हेल्पलाइन सर्विस, विच ऑप्शन शुड ही क्लिक टू गेट हेल्प। गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज में नीचे देखो, इधर ये नहीं, गलत हो जाएगा ये, यहाँ आ जाना, गेट हेल्प ऑनलाइन। तो इस पर कैसे क्लिक करिएगा, तो देखो भाई इधर सबमिट हो जाएगा ये। तो इस तरह से टोटल टेके चैलेंज बन गया, एक फाइनली सेशन एंड टेस्ट बनाते हैं। ओके चलो भाई इसको स्टार्ट करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहला कह रहा है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन सी मल्टीपल प्रोग्राम्स अनेक सिमिलटेनसी ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ स्क्रीन। इसका आंसर जो होगा ना, वो ट्रू होगा। हो सकता है कि बहुत सारा सेशन एंड टेस्ट में सबका क्वेश्चन अलग अलग हो, अगर ऐसा मिलता जुलता है तो आप बना लेंगे। डाटा बाय इटसेल्फ इज नॉट यूजफुल अनलेस इट इज प्रोसीड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड वेरियस सोर्सेज। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होगा ये होगा सेकेंड नंबर। अगला है डैश डैम प्रिवेंट रिम ऑफ स्पेवेयर्स, तो विंडो डिफेंडर बेसिकली होता है, तो डिफेंडर लेंगे, इसको सबमिट करेंगे। डिस्क्रिमिनेटर यूज टू रिमूव अननेसेसरी फाइल, इसका जो आंसर होगा ट्रू होगा। पांचवा देखते हैं, वाई द प्रोड्यूसर अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसीडर्स, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीडर इज दैट इज मैनुअल यूज टू, इसका आंसर ये वाला आप दे दो दूसरा नंबर। नंबर आते हैं 6, सम पीपल कंटिन्यूसली लिसन टू द वेरी लाउड साउंड लाइक सॉन्ग्स ईटीसी हेडफोन हेडफोन डेंजरस फॉर हेल्थ, आर यू एग्री। यस, आर यू अवेयर ऑफ दिस, इसका आंसर होगा यस, इसका आंसर यस होगा। फीचर इन एम एस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इजियर सेफर एनी वे, इसका आंसर भी सही होगा। और इसका जो आंसर होगा ना, मिस एंड यूजर मिसिंग, आई होप ये होना चाहिए नंबर 4। ऐसा करके आप इसको यस कर दो, यस कर दो, एंड एग्जाम कर दो और इसको क्लोज करो। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल जितना है आपका टेक ए चैलेंज डू इट योरसेल्फ, ये टोटल देखो 6 सही हुआ, 2 रॉन्ग हो गया। वो हो सकता है
कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है। तो चलो कम से कम 6 क्वेश्चन तो आपका सही हो गया। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।